टीएसआई द्वारा हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष की पत्नी के साथ अभद्रता करने के मामले में टीएसआई को सस्पेंड करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता। मैथौर में टैक्सी और टेम्पो यूनियन के तत्वाधान में कराया गया सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अमरोहा में जमीनी विवाद के चलते बेटे ने की पिता की हत्या, गला लेकर पिता को उतारा मौत के घाट, आदमपुर थाना क्षेत्र के जेवड़ा गांव की घटना। स्वास्थ्य विभाग पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए रामपुर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएमओ से की मुलाकात। चांदपुर के नवागत कोतवाली प्रभारी लव सिरोही ने संभाला चार्ज। नेहडोर पुलिस ने नकदी से भरा बैग लूटने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक संदीप त्यागी ने किया खुलासा। सिहोरा नगर पालिका चेयरमैन अख्तर जलील ने फीता काटकर किया फवारा चौक के सौंदर्यकरण का लोकार्पण। बिजनौर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर दो सोने की हत्या, पुलिस ने दो आरोपी दोस्तों को किया गिरफ्तार।